रिपुसन इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम चल रहे थे, एक चैप्टर है पार्टिसिपल, जीरेंड, इन्फिनिटिव और बियर इन्फिनिटिव। एक क्लास 12 के लिए स्पेशली था, इसका यह पार्ट 5 है और अंतिम पार्ट है। ये पूरा खत्म करने के बाद हम आपको क्वेश्चन जो है इसके पार्ट 1 में ही अपलोड कर देंगे, ताकि आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकें। तो 60 नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, उसमें फील वर्ब का प्रयोग किया गया है। फील का रूप चलता है फील, फेल्ट, फेल्ट। तो फील का क्या प्रयोग है कि फील के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फोर। डिफर मतलब समझ रहे हैं, वर्ब में आईएनजी। तो फील वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब भी फोर रूप में आता है। जैसे आई फेल्ट माय कार स्कीडिंग। यह देखिए स्कीडिंग, स्कीड का मतलब होता है फिसलना। और आपको यह पता भी है कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं। इसे आपका ऑप्शन जो रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा। ए में रहेगा आपको V1, बी में रहेगा आपका V3, सी में रहेगा आपका V4 और डी में रहेगा आपका 2+V1। इसको याद रखेंगे, यही चार ऑप्शन दिए जाते हैं। तो फील के बारे में आपको समझाएं कि फील प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब चौथा रूप में, V4 रूप में, अर्थात वर्ब में ing लग कर करके आएंगे। देखिए लव का मतलब है यहां पर आनंद उठाना, इंजॉय के अर्थ में। तो इंजॉय के अर्थ में लव के साथ हमेशा V4 आता है। जैसे ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलकर आनंद उठाता है। यहां इंजॉय के अर्थ में है और इंजॉय में भी जानते हैं यही काम होता है। ही इंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, इंजॉय के बाद भी आने वाला वर्ब ing ही लगकर आता है। 64 में आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, फॉरबिड के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद वर्ब जो है 2+V1 रूप में आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस 2+V1 रूप, जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं। यदि कोई पूछे कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, तो कहिए 2+V1 रूप आपका इन्फिनिटिव होता है। जैसे टू प्ले, टू टीच, टू रीड, टू वॉक, यह इन्फिनिटिव फॉर्म है। इस चार वर्ब के बारे में बताए हैं, एडवाइज, अलाउ, परमिट और फॉरबिड। इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद यदि डायरेक्ट वर्ब आता है तो V4 रूप में आएगा। पहला बात याद रखेंगे, अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है तब 2+V1 रूप में आएंगे। एक खतरनाक प्रयोग है, ध्यान रखेंगे। एडवाइज, अलाउ, परमिट, फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स मना करना। यदि इसके साथ डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तुरंत वर्ब आ रहा है, तो ing लग करके वर्ब आएगा। लेकिन यदि इन चारों वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तब उसके बाद 2+V1। पिछले बार भी एग्जाम्पल देके समझाए हैं, आज बोल करके बताते हैं, ध्यान देंगे। जैसे ही एडवाइज्ड लर्निंग इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीखने की सलाह दी। लेकिन ही एडवाइज्ड मी यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, तब लिखेंगे टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। 69 में यह भी पढ़ाया हुआ है कि TOO के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसके बाद वर्ब 2+V1 रूप में आएगा और उसका अर्थ निगेटिव होता है। जैसे आप देखें, ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए 2+ एडजेक्टिव आया तो उसके बाद वर्ब जो है सो इन्फिनिटिव रूप में आ रहा है और निगेटिव मीनिंग है। वह इतना ज्यादा कमजोर है, TOO का मतलब बहुत ज्यादा या इतना ज्यादा,
मतलब वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। इसलिए यहां पर लिखे हैं कि टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद जो टू प्लस वी1 आएगा, वर्ब कैसे आएगा, टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इन्फिनिटिव रूप में टू प्लस वी1, और इसका अर्थ निगेटिव होता है। 17 भी आपको बताए हैं कि जब सब्जेक्ट के रूप में वर्ब आएगा तो वह दो रूप में आ सकता है, एक टू प्लस वी1 या वी4। जैसे आप लिख सकते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस, धूम्रपान जो है सो हानिकारक है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस भी लिख सकते हैं, या टू स्मोक इज इंजूरियस। तो यहां पर जो वर्ब आ रहा है वह सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट के रूप में जब वर्ब होगा तो उसका दो रूप हो सकता है, टू प्लस वी1 या वी4। 71, 72 और 73 तीनों के लिए इसको आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब के बाद कोई फिर दूसरा वर्ब आ रहा है, वर्ब के तुरंत बाद कुछ ऐसा वर्ब आ रहा है जो किसी कार्य को करने का उद्देश्य बताए, तो उसके बाद जो वर्ब आता है वह टू प्लस वी1 रूप में। एग्जाम्पल से समझे, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, किस उद्देश्य से जा रहा था, तो गोइंग देयर टू मीट राम, राम से मिलने के लिए, अर्थात राम से मिलना, मिलना जो है यह उद्देश्य बता रहा है। ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, किस उद्देश्य से दौड़ रहा था, पहली ट्रेन पकड़ने के लिए, तो टू कैच द फर्स्ट ट्रेन। तो यहाँ कैच क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। तो वर्ब के बाद जब दूसरा वर्ब आवे और वह किसी कार्य को करने का उद्देश्य बताए तो उसको हम इन्फिनिटिव रूप में लाते हैं, टू प्लस वी1 रूप में। एक और एग्जाम्पल देखें, वी ईट, हम लोग खाते हैं, किस लिए खाते हैं, क्या उद्देश्य है, जीने के लिए, तो वी ईट टू लिव। तो टू लिव क्या है, उद्देश्य है, तो किसी कार्य को करने का उद्देश्य बताना हो तो उसमें इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वी1 रूप का प्रयोग करते हैं। 75 आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दिए हैं, लेकिन यहां पर फिर इसको लाए हैं कि सी वॉच, कौन कौन वर्ब है, सी वॉच मेक बीड, बीड का मतलब आदेश देना, इस बीड का तीनों रूप याद रखेंगे, बीड बेड BADEE, और तीसरा रूप बीडेन BIDDEN। हियर, यदि इन वर्ब्स का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया हो तो इसके बाद टू प्लस वी1 रूप आते हैं वर्ब के, जैसे ही वॉज बीडेन, उसको आदेश दिया गया, पैसिव में है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में है, ही वॉज बीडेन टू गो देयर, देखिए टू प्लस वी1 आया, ही वॉज सीन, उसको देखा गया, टू प्ले, खेलते हुए, तो देखिए पैसिव में सीन का प्रयोग किया गया है तो इसके बाद जो वर्ब आ रहा है वह टू प्लस वी1 रूप में है। यहां बीडन पैसिव में किया गया है, इसके बाद वर्ब टू प्लस वी1 रूप में है। 81 भी बता चुके हैं, अब ध्यान देंगे, गो के बाद वी4 आएगा, कब आएगा, जब फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक कार्य से उसका जुड़ाव हो, कोई शारीरिक कार्य, जैसे गो फिशिंग, मछली मारने के लिए जाना, तो शारीरिक एक्टिविटी है, गो शॉपिंग, गो वॉकिंग, ठीक है, तो गो के साथ वी4 कब आएगा, जब वह वर्ब, आने वाला वर्ब जो हो आएगा वह फिजिकल एक्टिविटी बताएगा, शारीरिक कार्य को बताएगा, तो गो के बाद वी4 आता है, जैसे गो फिशिंग, गो वॉकिंग, गो रनिंग, गो राइडिंग, राइडिंग मतलब होता है घुड़सवारी करना, गो शॉपिंग, दुकानदारी, कुछ आपका खरीदारी करने के लिए, तो इस स्थिति में गो के बाद वी4 आता है। इसमें नोटिस वर्ब हम अलग से लाए, नोटिस करना मतलब किसी बात को सोचना, दिमाग में आना, नोटिस के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वी4 आता है, जैसे आई नोटिस्ड हिम, मैंने उसे क्या नोटिस किया, इंटरिंग द क्लास, जब वह क्लास में इंटर कर रहा था तो हमको दिमाग में बात आ गया, नोटिस कर लिया था कि नहीं वह क्लास में इंटर किया है, तो
तो नोटिस के बाद याद रखेंगे, नोटिस प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वी फोर आता है। 84, सजेस्ट या प्रपोज के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के पहले टू जरूर लगाइएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी लग करके आएगा। जैसे ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड मीन्स सलाह देना, प्रपोज का मतलब भी वही होता है सलाह देना। ही सजेस्टेड या प्रपोज टू मी, देखिएगा यहां पर ध्यान रखिएगा, सजेस्ट या प्रपोज के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट के पहले आपका टू जरूर आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के पहले टू, और उसके बाद जब वर्ब आएगा तो वह आईएनजी लग करके आएगा। तो ही सजेस्टेड या प्रपोज टू मी लर्निंग इंग्लिश, ही सजेस्टेड या प्रपोज टू मी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो ये सब थोड़ा सा प्रयोग कठिन है, कुछ आपके वर्ब का इसमें प्रयोग बताया गया है कि किस वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह किस रूप में आएगा, वह आएगा या तो V3 या तो V4 या 2+V, इसको ध्यान रखना है। 85 में देखिए, इसमें बताया हुआ है कि डिसाइड, ट्राई, वांट, प्रॉमिस, ये सब कैसे वर्ब हैं जिसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1 रूप में आएंगे। जैसे ही डिसाइडेड टू रिटर्न हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव के बाद 2+V1 आता है। जैसे ही इज एबल, ही सब्जेक्ट हो गया, इज टू बी वर्ब हो गया, एबल एडजेक्टिव हो गया, तो इसके बाद आने वाला वर्ब 2+V1, तो टू स्पीक इंग्लिश, एबल का मतलब योग्य। जैसे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी बोलने के योग्य है, मतलब अंग्रेजी बोलने की उसमें योग्यता है। अगला है डोंट या डजंट माइंड, ये भी पढ़ा चुके हैं। डोंट या डजंट माइंड का मतलब होता है आपत्ति नहीं है। इसके बाद हमेशा V4 आता है, जैसे आई डोंट माइंड स्टेइंग हियर। एक और इसमें बताए थे वुड यू माइंड, रिक्वेस्ट करने में वुड यू माइंड के बाद भी V4 आता है, जैसे वुड यू माइंड टीचिंग मी, क्या आप मुझे पढ़ाने की कृपा करेंगे। तो माइंड के बाद हमेशा वर्ब जो आएगा वह चौथा रूप में आएगा। 89 में भी आपको पढ़ाया हुआ है कौन कौन वर्ब हैं, हेट, लव, अवॉइड, डिसलाइक, पोस्टपोन, इसके अलावा और उसमें वर्ब दिए हैं। तो इस सब वर्ब के बाद जब वर्ब डायरेक्ट आएगा तो आईएनजी लग करके आएगा। जैसे ही डिसलाइक्स स्मोकिंग, ही हेट्स स्मोकिंग, ठीक है, ही पोस्टपोन्ड going home, postponed means स्थगित करना, he postponed going home, उसने घर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। तो ये जो verb हैं आपको लिस्ट में हम जो है सो second आपका जो पार्ट था उसी में इसको अपलोड किए हैं, आप देखेंगे उसको। With an eye to, ये भी बता चुके हैं, With an eye to एक phrase है, इसका मतलब होता है के उद्देश्य से, इसके बाद भी V4 आता है। जैसे ही टीचेज, वह पढ़ाते हैं, विथ एन आई टू अर्निंग मनी, पैसा कमाने के उद्देश्य से, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है, विथ एन आई टू गेटिंग ए जॉब, क्यों कठिन परिश्रम कर रहा है, कोई जॉब प्राप्त करने के उद्देश्य से, ये भी बताया हुआ है। कांट या कुडंट के बाद हेल्प या स्टैंड या बियर रहे तो इसके बाद आने वाला वर्ब चौथा रूप में आएगा। अगर पैसिव में आएगा तो फिर बताएं, अगर एक्टिव में है तो V4, अब पैसिव में बींग प्लस V3 पैसिव में, जिसके एक्टिव में V4 आता हो तो इसको दिमाग में बैठा लें, V4 आता हो तो वह एक्टिव रूप है, और उसका अगर पैसिव रूप में बनाना है तो बींग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं ही कांट हेल्प लाफिंग, वह हंसे बिना नहीं रह सकता है, आई कुडंट हेल्प हेल्पिंग, मैं उसे मदद किए बिना नहीं रह सका। अब स्टैंड और बियर दोनों का मतलब होता है बर्दाश्त करना, स्टैंड और बियर में किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको हम पैसिव में बना रहे हैं, ध्यान देंगे,
ही कांट स्टैंड या बियर, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ही कांट स्टैंड या बियर बींग इंसल्टेड, पैसे में आ गया, अपमानित किया जाना, मतलब किसी के द्वारा वह अपमानित किया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ही कांट स्टैंड या बियर बींग इंसल्टेड, पैसिव में आ गया। तो इसमें याद रखेंगे कि जिसके साथ भी फोर आता है एक्टिव में, तो पैसिव में उसमें बींग प्लस भी थ्री लगता है। अगला देखिए, नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस रहने पर इसके बाद भी फोर आएगा, भी पढ़ा चुके हैं। आई डोंट वॉन्ट मोहित्स, देखिए मोहित में एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, मोहित्स कमिंग हियर, मतलब मैं मोहित का यहां आना नहीं पसंद करता हूं, नहीं चाहता हूं। यहां पर देखिए मोहित जो है सो नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसके बाद आपका वर्ब का चौथा रूप। ऑफ या फॉर के बाद यदि ऑब्जेक्ट रहे, ऑफ या फॉर के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आएगा तो टू प्लस भी वन। जैसे इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, देखिए इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। तो देखिए ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब टू प्लस भी वन। दिस easy for me, देखिए for plus object plus आपका object, तो उसके बाद वाला verb to plus v1। This question is easy for me to solve, इसका मतलब या for के बाद यदि object आए और object के बाद verb आए तो वह to plus v1 रूप में रहता है। prefer में भी बता चुके हैं, इसको याद रखिएगा कि प्रेफर के बाद यदि भी फोर रहता है तो टू के बाद भी आपका भी फोर आएगा। जैसे आई प्रेफर प्लेइंग टू रीडिंग, दो स्ट्रक्चर है याद रखेंगे प्रेफर का। प्रेफर के बाद यदि भी फोर आया तो यहां पर टू आ जाएगा, टू का मतलब की अपेक्षा, इसके बाद भी फोर आएगा। जैसे मैं पसंद करता हूं खेलना पढ़ने की अपेक्षा, पहला स्ट्रक्चर हुआ। प्रेफर का दूसरा प्रयोग देखिए, प्रेफर के बाद इसमें आ गया कौची टू प्लस भी वन आ गया, इसमें क्या था भी फोर था तो टू आया और टू के बाद भी फोर। लेकिन इसमें ध्यान देंगे, प्रेफर के बाद आ गया टू प्लस भी वन, भी फोर के जगह पर आ गया टू प्लस भी वन, तो उसके बाद टू नहीं लाएगा बल्कि रादर देन आएगा, यही याद रखना है। इसका रादर देन का ही मतलब हो गया की अपेक्षा, टू का भी मतलब था कि अपेक्षा, तो रादर देन आया, तो याद रखना है कि रादर देन के बाद वर्ब भीवन रूप में आता है। एग्जाम्पल देखें, आई प्रेफर टू प्ले, टू प्ले आ गया, रादर देन रीड, तो रादर देन के बाद ध्यान रखना है कि रादर देन के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट रूप में आएगा, जिसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। याद रखेंगे कि टू प्लस भीवन इंफिनिटिव हुआ और जो भीवन जो आता है उसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, बेयर में टू हट जाता है बेयर इंफिनिटिव में। तो प्रेफर का दो प्रयोग देखें। अगला है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव आई का माई, ही का हिज, सी का हर, यू का योर, दे के दियर, वी का आवर, यह क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हमेशा याद रखेंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी फोर आता है, ये पढ़ाया हुआ है आपको, वीडियो में आप देखे होंगे। ये क्वेश्चन 97 है, जैसे आई डोंट वांट योर प्लेइंग हियर, योर क्या हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपका भी फोर आ गया। आप अपने असाइनमेंट में, बुक में जिनके पास असाइनमेंट होगा उसमें तीन क्वेश्चन और जोड़ लेंगे, 97 था उसको हमने 100 किया है, 98, 99 और 100 क्वेश्चन भी लिखे हैं, आप इसको समझ लें। ही वांट्स नथिंग बट, अब वर्ब कौन रूप में आएगा, तो रूल में देखिए यदि डू डज डिड को छोड़कर कोई अन्य वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो यहां पर वर्ब कौन है वांट्स है, यहां डू डज डिड नहीं है,
तो डूडल डिड को छोड़कर कोई अन्य वर्ब का प्रयोग किया गया हो, अन्य वर्ब क्या आया है, वांट्स, तब बट या एक्सेप्ट के बाद वर्ब टू प्लस वी1 रूप में होंगे। तो इसका मतलब कि यहां पर वांट्स है, मतलब डू डज डिड नहीं है, इसको छोड़ करके कोई अन्य वर्ब हमने लाया है, तो इस स्थिति में क्या कहता है कि आंसर जो हो जाएगा वांट प्लस बट या एक्सेप्ट के बाद टू प्लस वी1 हो जाता है। इसी में समझ लें कि अगर वांट के जगह पर डू डज डिड रहता तब बट या एक्सेप्ट के बाद सिर्फ वी1 हो जाता है डू डज डिड रहने पर। आगे हम उसको देखेंगे। तो इसमें वांट था तो डू डज डिड के जगह पर कोई दूसरा वर्ब आ गया तो बट या एक्सेप्ट के बाद टू प्लस वी1 आता है, इसलिए यहां पर आंसर इसका हो जाएगा टू प्लस वी1। 99 नंबर क्वेश्चन में देखें, ही वांट्स, फिर वही वांट्स वर्ब है, ही वांट्स एवरीथिंग एक्सेप्ट, यही रूल है कि डू डज डिड के जगह पर कोई दूसरा वर्ब का प्रयोग हो तो एक्सेप्ट या बट, एक्सेप्ट रहे या बट रहे, एक्सेप्ट रहे, एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, अब बट का भी मतलब है को छोड़कर, प्रीपोजिशन के रूप में है, इसके बाद आपका टू प्लस वी1 आ जाएगा। तो देखिए आंसर लिखे हैं टू टीच आएगा, टू टीच, यहां ब्रैकेट में दिया हुआ है तो टू टीच आ गया। अब 100 में देखिए, ही डज एवरीथिंग बट या एक्सेप्ट, तो रूल क्या है, अब डू डज आ गया तो डू डज में रूल है कि डू डज या डिड के बाद, डू डज या डिड के बाद बट या एक्सेप्ट आए तो इसके बाद वर्ब बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव मींस सिर्फ वर्ब का पहला रूप, तो आंसर क्या हो जाएगा टीच। इसको फिर से एक बार ध्यान दे दें, डू डज डिड के बाद बट या एक्सेप्ट आता है तो वी1 आंसर होगा, वर्ब का पहला रूप, और डू डज डिड के छोड़ करके कोई दूसरा वर्ब आ जाए, इसमें हमने वांट का प्रयोग किया है तो दूसरा वर्ब रहने पर बट या एक्सेप्ट के बाद टू प्लस वी1 आता है, इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपका जो चैप्टर था पार्टिसिपल जीरो एंड इन्फिनिटिव, इसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसको हमने जो वीडियो बनाया वो 5 पार्ट में उसको हमने बनाया, और यह वीडियो आपका इस चैप्टर का यहाँ पर समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन हम पार्ट 1 में ही दे देंगे ताकि आप पूरे कर करके उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।